ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सतगुरु साई नमो नमः। ओम साई राम। आप सभी प्यारे भक्तों को बाबा सबकी रक्षा करे, सभी के परिवार की रक्षा करे, खुशियां दे मालिक, झोली भरे, भला करे बाबा उन सबका, उनके अंग संग रहे हमेशा, उनके घर आंगन में किसी भी चीज़ की कोई कमी ना रहे, सबको खुश रखे बाबा, सद्बुद्धि दे। तो चलिए आइए, जिन जिन के नाम आए हुए हैं बाबा के श्री चरणों में अरदास लगाएंगे सबसे पहले, और प्रार्थना करेंगे कि हे देवा, जिन जिन की भी जो भी प्रार्थनाएं उन्हें स्वीकार करिए, जिनके घर में बच्चे नहीं हैं उनको बच्चे दीजिए, जिनके घर में नौकरी नहीं है उनको अच्छी कोई नौकरी दीजिए, जिनके पास घर नहीं है उन्हें एक अच्छा सा घर दीजिए बाबा, और जिनके घर में कलेश चल रहे हैं उनके कलेशों को भी दूर करिए मालिक। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि सबको एक सुखी जीवन प्रदान करिए। तो चलिए आइए, सबके नाम पढ़ते हैं जिन जिनके नाम आए हुए हैं, और जिनके नाम नहीं आएंगे इस वीडियो में उनके नेक्स्ट वीडियो में मैं ले लूंगी। अभी तो फिलहाल हम एक दिन छोड़कर वीडियो कर रहे हैं प्रार्थना की, साईं बाबा की कृपा से आने वाले समय में मैं रेगुलर यानी कि डेली वीडियो लेकर आऊंगी। तो आप में से कोई निराश मत हुए, सभी के नाम लिए जाएंगे बाबा के चरणों में, और मुझे ये बताते हुए भी बहुत प्रसन्नता हो रही है, खुशी हो रही है कि कुछ लोगों के मैसेजेस भी आ रहे थे पॉजिटिव कि बाबा ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करी है। बाबा सबकी सुनते हैं, कोई हम स्पेशल नहीं है या कोई और स्पेशल नहीं है, आप सबकी भी सुनते हैं बाबा। बस एक भाव डालने की ज़रूरत होती है, बाबा बस प्रेम के भूखे हैं, बाबा को और कुछ नहीं चाहिए आपसे। तो बस चलिए आइए, सभी के लिए प्रार्थना करते हैं इसी मंशा के साथ, इसी प्रेम भाव देकर बाबा से हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। तो सबसे पहला जो नाम आया हुआ है वो है शकुंतला सरकार जी का, शिंजौन के लिए प्रार्थना करवा रही हैं वो। सेकंड नाम है गजानन जो कि महाराष्ट्र से हैं। थर्ड नाम है सुचित्रा रॉय जी। फोर्थ नाम है पूनम जी। फिफ्थ नाम है अभिमन्यु राय जी। सिक्स्थ नेम है सुहाना आर जी। सेवेंथ नेम है सीमा खत्री जी। एट्थ नेम है देवालक्ष्मी जी। नाइन्थ नेम है शैली जैन जी। टेंथ नेम है सरिता जी। इलेवेंथ नेम है अन्नू जी। ट्वेल्थ नेम है चेतना चावला जी। थर्टींथ नेम है अनिल कुमार जी। फोर्टींथ नेम है अरुण कुमार फ्रॉम बेंगलोर। फिफ्टींथ नाम है स्वरूप डोले जी। सिक्सटींथ नाम है रमनदीप कौर जी, जो कि अपनी आंखों के लिए प्रार्थना करवा रहे हैं कि बाबा उनकी आंखों की रोशनी लौटा दीजिए, बाबा ज़रूर आपकी प्रार्थना स्वीकार करेंगे, आपकी आँखें ज़रूर ठीक हो जाएगी रमनदीप कौर जी। 17th नाम है मनोरंजन जी, मिष्टी जी। 18th नाम है मिनर्वा सार जी, गंगटोक से बात कर रहे हैं ये, और जो कि अपनी पूरी फैमिली के लिए प्रार्थना करा रहे हैं। 19th नेम है विपिन वर्मा जी। 20th नेम है रानू जी फ्रॉम ओडिशा। 21 नेम है आरती गुप्ता जी फ्रॉम बिहार। 22 नेम है नीता वर्मा जी। 23rd नेम है श्रद्धा जी फ्रॉम महाराष्ट्र। 24th नेम है रसीम कौर जी। 25th नेम है अनीता जी, जो कि अनिकेत के लिए प्रार्थना करा रही हैं। 26th नेम है पूजा लांबा जी। 27th नेम है लक्ष्मीकांत जी, जो कि कर्नाटका से हैं। 28th नाम है भूपेश जी। 29th नेम है मनोज जी एंड बबीता जी। 30th नेम है नंदा गौतम जी, जो कि शिलोंग से हैं। 31 नेम है सविता कुमारी जी। 32 नेम है सुनील शर्मा जी। तो ये थे आज के नाम जो कि मैंने बाबा के श्री चरणों में आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ, अरदास करने जा रही हूँ, और आप सभी को मिलकर करनी है मेरे साथ। तो बाबा ज़रूर सुनेंगे, कहते हैं कि जब हम एक साथ होकर प्रार्थना करते हैं तो बाबा ज़रूर सुनते हैं। बाबा किसी ना किसी की तो ज़रूर सुन ही लेंगे ना हम सब में से। तो आइए सभी के लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छी सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। तो आइए प्रार्थना करते हैं। सदा सदा साईं पिता मन में करो निवास, सच्चे हृदय से करूं तुमसे ये अरदास, कारण करता आप हो सब कुछ तुम्हरी दात, साई भरोसे मैं रहूं तुम ही हो पितुमात, विषयों में मैं लीन हूं पापों का नहीं अंत, फिर भी तेरा तेरा हूं राख लियो भगवंत, राख लियो हे राखन हारे साई गरीब निवास, तुझमें तेरे बाल के कौन सवारे काज, दया करो दया करो दया करो मेरे साईं, तुझ बिन मेरा कौन है बाबा इस जग माही, मैं तो कुछ भी हूँ नहीं सब कुछ तुम हो नाथ, अपने बच्चों के सर्वस्व प्रभु तुम सदा रहो हमारे साथ, बाबा जी मेरे सदा रहो हमारे साथ, दाता हमारे सदा रहो हमारे साथ।
तो चलिए आइए बाबा के अनमोल 11 वचन पढ़ते हैं, बाबा के जो कि प्रॉमिसेस हैं, जो कि बाबा ने भक्तों से किए हैं अपने, कि ये कभी झूठे नहीं हो सकते। तो आइए पूरी श्रद्धा के साथ बाबा के 11 वचन पढ़ेंगे। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले तुक की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित है जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण ना खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ साईमन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आओ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, जिसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे नान्य, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे नान्य, बाबा आओ साईं आओ, बाबा आओ साईं आओ। बाबा ज़रूर सुनेंगे आपकी प्रार्थना, और इस तरह से ज़रूर बाबा को पुकारिए, हर बार जब भी आप 11 वचन पढ़ते हैं तो बाबा को इस तरह पुकारने की एक आदत ज़रूर डाल लीजिए, क्योंकि बाबा के जो 11 वचन है पूरी श्रद्धा के साथ पढ़ने चाहिए, पूरे भाव के साथ पढ़ने चाहिए, ना कि एक पोयम की तरह बस पढ़ दो और उसमें कोई भाव ना डालो। जब भी हम बाबा के 11 वचन पूरे भाव के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, लगन के साथ पढ़ते हैं तो बाबा की जितनी भी हमारे घर में प्रतिमाएं होती हैं, स्वरूप होते हैं, वो सजीव हो जाते हैं, उनमें भी जान आ जाती है, और उस दौरान बाबा प्रार्थना आपकी स्वीकार कर लेते हैं। तो एक बार ही इस तरह पुकार के ज़रूर बाबा के 11 वचन पढ़िए, आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी हो जाएगी। तो यही मेरी बाबा से दुआ है, प्रार्थना है और अरदास है कि आप सबकी दुआ कबूल हो जाए। ओम साई राम, जय साई राम। बाबा का नाम जाप करिए, बाबा की आराधना करिए, बाबा की भक्ति में लीन हो जाइए, तो आपको फल ज़रूर मिलेगा। ओम साई राम।